हेलो यॉल, दिस इज महेश कुमार एंड आई एक्सटेंड अ वेरी वेरी हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज जेन एपेक्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम एक सीरीज चला रहे थे जिसमें कि हम नरेशन सिखा रहे थे, ओके और इसमें हम असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कवर कर चुके हैं। चार वीडियोज ऑलरेडी हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इम्परेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू चेंज imperative sentences from direct to indirect is the topic of the today's video, okay? तो इसके भी कुछ certain rules and regulations हैं। असल में ये जो आज का हमारा topic है, इसमें imperative sentences, ये थोड़ा सा बड़ा topic है और इसीलिए ये video भी लंबा होने जा रहा है। कई तरह के होते हैं इसमें, इसलिए हर बार में rules थोड़े से change होते हैं, okay? कुछ तो general rules हैं ही, जैसे कि जो आपने देखा पहले ही, जो प्लेसेस और टाइम्स के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होते हैं ना प्रोनाउंस में और प्लेसेस एट्सेट्रा में जो चेंजेस होते हैं, वो तो सेम रहेंगे, बाकी के जो चेंजेस हैं वो थोड़े अलग हैं, ओके? तो हम उन्हीं डिफरेंसेस पे यहाँ बस ध्यान देने जा रहे हैं, जो कॉमन है उन पे ध्यान नहीं देंगे, ओके? तो फर्स्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज एट्सेट्रा। जो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ होती है उसको हम जैसा ही वो सेंस कैरी करती है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइज में चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर पास्ट में है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड हो जाएगा, ओके? तो जो भी सेंस हमें डायरेक्ट स्पीच से आ रहा होगा, मिल रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड एटसेट्रा में चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स सेड एटसेट्रा ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेकेंड पॉइंट, द इम्परेटिव मूड इज चेंज इनटू इन्फिनिटिव। जो इम्परेटिव मूड रहता है उसको इन्फिनिटिव में चेंज कर देते हैं, टू लगा करके जो मेन वर्ब होती है उसका इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, ओके? थर्ड वन इज नेगेटिव इम्परेटिव। अगर नेगेटिव इम्परेटिव है तो जैसे कि हम सेकेंड पॉइंट में चेंज कर रहे थे, इन्फिनिटिव लगा करके चेंज कर रहे थे मेन वर्ब को, तो वैसे ही नेगेटिव इम्परेटिव में बस नेगेटिव से पहले टू और लग जाता है, सॉरी टू से पहले नॉट और लग जाता है, नॉट टू। जैसे अगर आप सिंपल इम्परेटिव बनाओगे, He ordered me to go at once. He ordered me to go at once. इस तरह से बनने का सेंटेंस। अगर उसी का नेगेटिव बनाएंगे, He ordered me not to go at once. इस तरह से हो जाता है। इसके अलावा इसको नेगेटिव इम्परेटिव को बदलने का दूसरा तरीका भी है और वो हो जाता है हमारा forbid. ओके, पास्ट टेंस में रहता है तो forbid बोल देते हैं, forbid और prohibited. तो बस इनको ध्यान में रखिएगा, बाकी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ओके? प्रैक्टिकली उनको स्टडी करते हैं। द कैप्टन सेड टू हिज मैन, मार्च फॉरवर्ड। द कैप्टन सेड टू हिज मैन, मार्च फॉरवर्ड, ओके? तो जैसे कि हम कह रहे थे, यहां आर्मी ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रहा है, इसीलिए द कैप्टन ऑर्डर्ड, सेड की जगह हमने कर दिया ऑर्डर्ड, ओके? द कैप्टन ऑर्डर्ड His man ऐसे ही रहा, ऑब्जेक्ट था ये हमारा, द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मैन। देखिए सबसे पहले कैप्टन सब्जेक्ट रहा, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच या जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं उसका सब्जेक्ट है द कैप्टन, एज इट इज रहेगा। सेड का ऑर्डर्ड हो गया, ओके? और जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि जब भी यहाँ हम कोई दूसरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद टू हट जाता है, तो अब यहाँ टू हट गया और उसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट था वो वैसे ही रहा। The captain ordered his men march forward के पहले हम infinitive टू लगा देंगे, टू लगा करके हम verb का इस्तेमाल करेंगे, टू march forward, okay? Most of the cases में जो verb यहाँ दे रखी होती है वो लगभग as it is ही इस्तेमाल होती है। The teacher said to the student, stand up where you are. The teacher ordered the student. फिर से said की जगह ordered होगा क्योंकि बच्चे को order मिल रहा है टीचर से कि तुम जहां हो वहीं खड़े हो जाओ। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू स्टैंड अप वेयर ही वॉज। आप फिर से देखिए, टीचर सेट टू द स्टूडेंट का हो जाएगा, सेट टू हटा दिया हमने, ऑर्डर्ड हो गया उसकी जगह। ये हो गया आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें चेंज, रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज, ओके? जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो ऑर्डर्ड हो गई, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट स्टैंड अप वेयर यू आर टू स्टैंड अप वेयर
यू क्योंकि यहां इस्तेमाल किया गया स्टूडेंट के लिए, इसीलिए हमने यू को चेंज कर दिया ही में. ओके, टू स्टैंड अप वेयर ही वॉज, जो मेन वर्ब है डायरेक्ट स्पीच की, उसी से पहले सिर्फ टू लगा दिया और इस तरह से इन्फिनेटिव बना दिया उसका. द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू स्टैंड अप वेयर ही वॉज. नेक्स्ट देखिए, मीरा सेड टू नीति, प्लीज गिव मी योर पेन फॉर सम टाइम. मीरा सेड टू नीति, प्लीज गिव मी योर पेन फॉर सम टाइम. ओके, मीरा रिक्वेस्टेड नीति, यहां देखिए रिक्वेस्ट हो रही है, वो पेन मांग रही है अपनी, हो सकता है फ्रेंड हो या जो भी है, यहां रिक्वेस्ट की जा रही है, पेन मांगा जा रहा है दूसरे से. तो मीरा रिक्वेस्टेड नीति टू गिव, टू गिव हर, यहां देखिए दो बार हर आया क्योंकि एक बार ऑब्जेक्ट के लिए आया और एक जगह पजेसिव प्रोनाउन के लिए आया. टू गिव हर हर पेन फॉर सम टाइम. एक हर यहां मीरा को डिनोट कर रहा है जबकि एक हर नीति के लिए आया है उसके पेन के लिए. मीरा रिक्वेस्टेड नीति टू गिव हर हर पेन फॉर सम टाइम. नेक्स्ट वन, राजा सेड टू सोनू, यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम. राजा सेड टू सोनू, यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम. राजा एडवाइज्ड सोनू, यहां एडवाइज किया जा रहा है. ओके, देयरफॉर सेड टू इज कन्वर्टेड टू एडवाइज्ड. राजा एडवाइज्ड सोनू टू वर्क हार्ड. यू शुड वर्क हार्ड की जगह हो गया टू वर्क हार्ड क्योंकि यू अंडरस्टूड हो गया सोनू के साथ. राजा एडवाइज्ड सोनू टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम. ओके, यू शुड हट गया पूरी तरह से टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम. हालांकि दूसरी तरह से भी इसे चेंज किया जा सकता था. राजा एडवाइज्ड सोनू दैट ही शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम. इस तरह से भी सेंटेंस को चेंज किया जा सकता था. ओके, लेकिन हम यहां जो हम फॉलो कर रहे हैं रूल्स, हम उसी के अकॉर्डिंग यहां सिर्फ सीख रहे हैं. राजा एडवाइज्ड सोनू टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम. मैं यहां बताता चलूं और शायद पहले भी बता चुका हूं पिछले वीडियोस में कि जो नरेशन है, नरेशन में ऐसे आपको कई सारे सेंटेंसेस मिलेंगे कि जिनको एक से ज्यादा तरीके से उनकी वॉइस को चेंज किया जा सकता है, सॉरी उनके नरेशन को चेंज किया जा सकता है. एक्टिव से पैसिव या सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हम बना सकते हैं एक से ज्यादा तरीके से. ओके, तो वैसा ही कुछ ये सेंटेंस है, इसको दो तरह से हम चेंज कर सकते हैं. राजा एडवाइज सोनू टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम और राजा एडवाइज या आस्क्ड, राजा आस्क्ड सोनू दैट ही शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम. है ना, दो तरह से, राजा एडवाइज सोनू टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम और दूसरा तरीका हो सकता है आपका राजा आस्क्ड सोनू दैट ही शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम. राजा जीवा सेट टू आरव, जीवा सेट टू आरव शट द डोर. ओके, यहां ऑर्डर दिया जा रहा है यहां, लेकिन हमने ऑर्डर वर्ड को ही इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमने आस्क कहीं इस्तेमाल नहीं किया. आस्क देखिए जहां कोई आपको क्लियर सेंस ना समझ में आए, है ना, जहां आपको यह समझ में नहीं आए कि यहां ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है या सजेशन है, क्या है ये कुछ समझ में ना आए, तो आप वहां सीधा सीधा सा आस्क लगा सकते हैं. बिकॉज आस्क इज यूज एज अ कॉमन वर्ड टू आस्क समवन टू डू समथिंग, है ना, किसी से कुछ काम कराने के लिए, कहने के लिए जो एक जनरल टर्म इस्तेमाल किया जाता है दैट इज आस्क और आस्क्ड. तो वैसे यहां पे जीवा सेट टू आरव शट द डोर, ऑर्डर है वैसे तो यहां, लेकिन ऑर्डर की जगह पे भी आप आस्क इस्तेमाल कर सकते हो. जीवा आस्क्ड आरव, जीवा आस्क्ड आरव टू शट द डोर. ओके, जीवा आस्क्ड आरव टू शट द डोर. नेक्स्ट वन इज रवि सेड टू द टीचर, रवि सेड टू द टीचर प्लीज एक्सप्लेन द चैप्टर. रवि सेड टू द टीचर प्लीज एक्सप्लेन द चैप्टर. रवि रिक्वेस्टेड द टीचर, रवि रिक्वेस्टेड, देखिए प्लीज आ गया तो बिल्कुल स्पष्ट है कि यहां पे रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए हमने यहां पे वर्ड इस्तेमाल किया सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड. रवि रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन द चैप्टर, है ना, प्लीज का जो सेंस था वो यहां आ गया. ओके, तो बस हम जो एक्सप्लेन द चैप्टर है उससे पहले टू लगा देंगे.
देखिए मैं फिर से उसी को रिपीट कर रहा हूँ कि जो अधिकतर ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं जहाँ सीधे कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो या रिक्वेस्ट की जा रही हो या किसी काम को करने के लिए कहा जा रहा हो, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। जो भी मेन वर्ब है उससे पहले टू लगा करके इन्फिनिटिव में चेंज कर दीजिए, है ना। जैसे कि आपने ऊपर किया था, देखिए मार्च फॉरवर्ड को टू मार्च फॉरवर्ड कर दिया था, स्टैंड अप वेयर यू आर को टू स्टैंड अप वेयर ही वॉज। टाइम एंड प्लेस में तो चेंज करना ही करना है। इसी तरह से प्लीज गिव मी योर पेन फॉर सम टाइम को टू गिव हर हर पेन फॉर सम टाइम, है ना। टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, यहाँ था यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, शट द डोर टू शट द डोर, ऐसे ही यहाँ पे। रवि सेड टू द टीचर प्लीज एक्सप्लेन द चैप्टर, रवि रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन द चैप्टर। बहुत ही सिंपल है, बस आपको अपनी तरफ से कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है चीजें। नेक्स्ट वन इज रीमा सेड टू रहीम सर डोंट गो होम नाउ, रीमा सेड टू रहीम सर डोंट गो होम नाउ, चेंज हो जाएगा उसका, रीमा रिक्वेस्टेड पोलाइटली टू रहीम, रीमा रिक्वेस्टेड पोलाइटली टू रहीम नॉट टू गो होम, रीमा रिक्वेस्टेड पोलाइटली टू रहीम नॉट टू गो होम। सॉरी ये टू ये भी हट जाएगा, नहीं रहेगा ये, रीमा रिक्वेस्टेड पोलाइटली टू रहीम नॉट टू गो होम देन, नाउ का हो जाएगा देन। नेक्स्ट वन देखिए, मदर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, मदर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, मदर फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम। ये सेंटेंस दो तरह से बन सकता था, जैसे हमने बताया था पहले भी, ये हमने सेकंड तरीके से, क्योंकि एक तरीके से तो हम लगातार बना ही रहे हैं, इसलिए यहां दूसरा तरीका अपनाया है, मदर फॉरबेड मी, है ना। अदरवाइज हम इसको ये भी बना सकते हैं, मदर आस्क मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। मदर आस्क मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, यहां हमने फॉरबेड इस्तेमाल कर लिया, मदर फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम। नेक्स्ट वन देखिए, रवि सेड टू हिज सर्वेंट, रवि सेड टू हिज सर्वेंट डू एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने तुम्हें बताया है वैसे करो। रवि सेड टू हिज सर्वेंट डू एज आई टोल्ड यू, रवि आस्क हिज सर्वेंट टू डू एज ही टोल्ड हिम टू टू डू। रवि आस्क हिज सर्वेंट टू डू एज ही टोल्ड हिम, देखिए रवि सेट टू, रवि सेट टू की जगह तो आस्क्ड हो गया, रवि आस्क्ड हिज सर्वेंट रहेगा, डू एज आई टोल्ड यू टू डू, जैसे कि हम कह रहे थे मेन वर्ब से पहले हम टू लगा देंगे, तो डू मेन वर्ब है यहाँ, उससे पहले हमने टू लगा दिया, टू डू एज आई, क्योंकि यहाँ यूज हुआ है रवि के लिए, तो इसलिए उसके लिए हमने ही यूज कर लिया, एज ही टोल्ड यू, यहाँ यू आया है सर्वेंट के लिए, पजेसिव केस सॉरी ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन है, इसीलिए उसको ऑब्जेक्टिव केस में यू की जगह हमने सर्वेंट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन बना दी, एंड दैट इज हिम। सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट, इसलिए हिम। रवि आस्क्ड हिज सर्वेंट टू डू एज ही टोल्ड हिम। नेक्स्ट वन, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक सो मच नॉइज, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक सो मच नॉइज, द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू मेक दैट मच नॉइज। इसको भी जैसे कि हमने पिछले सेंटेंस की बात की, इसको भी दो तरह से बनाया जा सकता है, पहला तो यही द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू मेक दैट मच नॉइज, दूसरा द टीचर आस्क द बॉयज नॉट टू मेक दैट मच नॉइज। जब हम फॉरबेड लगा देते हैं तो फॉरबेड का मतलब ही मना करना होता है, तो इसलिए वहां नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम फॉरबेड नहीं लगाते हैं तो नॉट आएगा, जैसे कि सेकंड तरीका हमने बताया, द टीचर आस्क द बॉयज नॉट टू मेक दैट मच नॉइज। रामा रोमा रामा रामा सेड टू हर फादर काइंडली एक्सक्यूज मी दिस टाइम, रामा सेड टू हर फादर काइंडली एक्सक्यूज मी दिस टाइम, रामा बिसीज्ड हर फादर टू एक्सक्यूज हर दैट टाइम।
ये हमने यहां नई वर्ब इस्तेमाल की है, विसीच मींस भी एक तरह से प्रे करना होता है, एक तरह से किसी को मनाने के लिए यूज होती है. ओके, रामा बिसीज्ड हर फादर टू एक्सक्यूज हर दैट टाइम. रामा या रमा ने अपने पिताजी से अनुरोध किया कि वो उसको उस समय माफ कर दें, इस बार माफ कर दें. रामा बिसीज्ड हर फादर टू एक्सक्यूज हर दैट टाइम. रिक्वेस्टेड भी कर सकते थे आप, लेकिन बिसीज उससे कहीं स्ट्रॉन्गर है. ओके, नेक्स्ट वन देखिए. ही सेड टू हिज टीममेट्स, बी क्वाइट एंड लिसन टू व्हाट आई से. ही सेड टू हिज टीममेट्स, बी क्वाइट एंड लिसन टू व्हाट आई से. उसने अपनी टीममेट से कहा कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं उसको, है ना, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो. ही एग्जॉर्टेड हिज टीममेट्स, या आस्क्ड भी लगा सकते हैं. देखिए टीममेट्स के लिए जैसे कि आजकल चलता है सभी को सम्मान दिया जाता है, अपने साथी जूनियर हो सीनियर हो, है ना, तो हमने यहाँ ऑर्डर या दूसरा कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने यूज किया है एग्जॉर्टेड, आह्वान करना. बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ आस्क या रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या कुछ और जो वर्ड्स हैं गिने चुने सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं. आप जो भी आपको ऐसा लगे कि कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड है, कोई भी स्ट्रॉन्ग अगर इमोशन दिखाई जा रही है या फीलिंग्स दिखाई जा रही हैं, तो आप कोई भी ऐसा वर्ड जो बेस्ट कैरी करता है उस भावना को जो कि डायरेक्ट स्पीच में दिखाई जा रही है, वो वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, जैसे कि हमने ऊपर वाले में बिसीच इस्तेमाल किया था, यहां एग्जॉर्टेड इस्तेमाल किया. ही एग्जॉर्टेड हिज टीममेट्स टू बी क्वाइट एंड लिसन टू व्हाट ही सेड. ओके, ही एग्जॉर्टेड हिज टीममेट्स, ये तो वैसे ही चेंजेस हैं जैसे कि आप देखते आ रहे हो. बी क्वाइट किससे पहले हमने टू लगा दिया, टू बी क्वाइट एंड लिसन. ओके, दो वर्ब्स थी यहां तो इसलिए दोनों से पहले बस एक ही बार लगेगा, टू बी क्वाइट एंड लिसन. टू व्हाट ऐसे ही रहेगा, जो के लिए इस्तेमाल हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं होना. आई को बस क्योंकि आई आया यहां ही के लिए, तो इसलिए सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे और हो जाएगा ही. टू व्हाट ही से का पास्ट टेंस में बदलेंगे. तो चलिए आगे देखते हैं लेट वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस को, कि लेट वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह से चेंज करते हैं. तो लेट वाले सेंटेंसेस आपको दो तरह के मिलेंगे. पहली चीज तो एक तो वो सेंटेंसेस जो कि लेट अस से शुरू होते हैं. ओके, एक तो वो सेंटेंसेस मिलेंगे जो कि लेट अस से शुरू होते हैं, और एक ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जहां सिर्फ लेट यूज किया जाता है, ओनली बेयर लेट इज यूज्ड. ओके, जहां सिर्फ लेट यूज किया जाता है उसमें कोई ना कोई परमिशन रिक्वेस्ट एटसेट्रा सीक की जाती है, मतलब परमिशन या रिक्वेस्ट की जाती है, परमिशन मांगी जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है. ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस अलग तरह से बनेंगे जिसमें माइट बी अलाउड या माइट यूज कर सकते हैं हम मेन वर्ब में. ओके, अभी एग्जाम्पल से देखेंगे और क्लियर हो जाएगा. जबकि जो लेट अस वाले सेंटेंसेस होंगे उन सेंटेंसेस में हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड यूज करेंगे. ओके, प्रपोज्ड या सजेस्टेड यूज करने की वजह यहाँ पे यह है कि लेट अस से जहाँ मतलब है, तो अपने साथ साथ दूसरे को भी या कम से कम दो लोग मिलकर के काम करें, ऐसा कुछ आह्वान किया जाता है, ऐसा कोशिश की जाती है ऐसा. ओके, इसीलिए यह प्रपोजल होता है या सजेशन होता है कि मिलकर के काम करें, चलो आओ मिलकर के काम करें कुछ ऐसा. ओके, देयरफॉर हियर वी यूज्ड प्रपोज और सजेस्ट. और जैसे पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो इसलिए इसका प्रपोज्ड या सजेस्टेड हो जाता है. ओके, अभी एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. तो पहली चीज तो ये रहती है, दूसरा इसमें हम फिर मेन वर्ब के साथ शुड का यूज करते हैं. ओके, मेन वर्ब के साथ शुड का यूज करते हैं और बाकी पूरा सेंटेंस जो है वो इंपरेटिव से बदल करके हम असर्टिव में बना देते हैं. देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज She said to her friend, let us go for a movie. She said to her friend, let us go for a movie. देखिए यहाँ साफ साफ let us आया है. ओके, इसलिए हमने यहाँ पे जब इसको indirect में change किया है तो she proposed कर दिया उसको, और proposed के बाद to आएगा. She proposed to किसको propose कर रहा है? Her friend को. ओके, शी प्रपोज कर रही है हर फ्रेंड को. शी प्रपोज टू हर फ्रेंड, यहां तक ये रहा. इसके बाद लिंकर के तौर पे दैट आ जाएगा. शी प्रपोज टू हर फ्रेंड दैट
दे शुड गो फॉर अ मूवी. ओके, शी प्रपोज्ड टू हर फ्रेंड दैट दे शुड गो फॉर अ मूवी. जैसे मैं कह रहा था मेन वर्ब के साथ शुड, और पूरा सेंटेंस जो है हमने वो असर्टिव में चेंज कर दिया दैट लिंक करके तौर पे. यहां जो सेड था सेड की जगह पे प्रपोज्ड आ गया. नेक्स्ट वन देखिए, रवि सेड टू मी लेट अस गिव हर अ सरप्राइज. चलो उसको सरप्राइज देते हैं. रवि सेड टू मी लेट अस गिव हर अ सरप्राइज. रवि प्रपोज्ड टू मी. ओके, रवि प्रपोज्ड टू मी दैट लिंक कर फिर से दैट. देखिए एक ही जैसे हैं सेंटेंसेस, बस सिर्फ और सिर्फ जो मेन वर्ब यहां पे बदल रही है बस वो बदल रही है, बाकी आप अगर पैटर्न देखेंगे सेम है. शी प्रपोज्ड, शी रवि प्रपोज्ड. ओके, रवि प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड गिव हर अ सरप्राइज. दैट वी शुड गिव हर अ सरप्राइज. नेक्स्ट वन देखिए, शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम लेट अस वेट फॉर हर. शी सेड टू हिम लेट अस वेट फॉर हर. शी सजेस्टेड, हमने पहले दो बार प्रपोज यूज कर लिया इसलिए यहां पर सजेस्टेड वर्ड यूज कर रहे हैं. शी सजेस्टेड टू हिम दैट लिंक कर आ गया दैट. लेट अस वेट फॉर हर, दे शुड वेट फॉर हर. ओके, क्योंकि यहां जो स्पीकर है. शी सेड टू हिम लेट अस वेट फॉर हर. मैं स्पीकर और ऑब्जेक्ट दोनों ही आपके थर्ड पर्सन में है, दोनों ही प्रोनाउन थर्ड पर्सन में है, इसीलिए जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट वॉइस में, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो शी सजेस्टेड टू हिम के बाद दे आएगा, दे यूज करेंगे. शी सजेस्टेड टू हिम दैट दे शुड वेट फॉर हर. ओके, शी सजेस्टेड टू हिम दैट दे शुड वेट फॉर हर. तो आगे जो सेंटेंसेस हैं वो सिंपल लेट वाले हैं, यानी इनमें हम परमिशन या रिक्वेस्ट की बात करेंगे. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई सेड लेट हिम डू व्हाट ही लाइक्स. आई सेड लेट हिम डू व्हाट ही लाइक्स. आई सेड, देखिए सेड भी रहने दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं. आई सेड दैट ही माइट बी अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्ड. माइट बी अलाउड की जगह सिर्फ माइट भी लिखा जा सकता है. ओके, माइट बी अलाउड जो पूरा फ्रेज है इसकी जगह सिर्फ माइट भी यूज किया जा सकता है, बाकी जो फॉर्मेशन रहेगी वो सेम रहेगी. आई सेड दैट ही माइट बी अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्ड. इसी तरह से फादर सेड टू मी, ये थोड़ा अलग सेंटेंस आ गया है. फादर सेड टू मी यू शुड नॉट गो आउट इन सच कोल्ड. फादर फॉरबेड मी टू गो आउट इन दैट कोल्ड. ओके, नेक्स्ट वन देखिए, रामा सेड लेट हिम डू द सम. रामा सेड लेट हिम डू द सम. रामा सेड दैट ही माइट बी अलाउड टू डू द सम. रामा सेड दैट ही माइट बी अलाउड टू डू द सम. बिकॉज यहां सिंपल से सेंटेंसेस हैं, यहां कोई स्पेशली कोई कोई परमिशन जैसी कोई चीज सीख नहीं हो रही. यहां कोई जो स्पीकर है वो परमिशन लेता हुआ नहीं दिख रहा, खुद नहीं परमिशन मांग रहा, सिर्फ परमिशन की बात हो रही है, लेकिन वो कुछ नहीं मांग रहा है, वो किसी के लिए दूसरे के लिए बोल रहा है. ओके, इसलिए हमने यहां सिर्फ सेड यूज किया है दोनों जगह. रामा सेड, उसके बाद लिंकर दैट आ गया, ही माइट बी अलाउड टू डू द सम. ओके, लेट हिम डू द सम, ही माइट बी अलाउड टू डू द सम. ओके, नेक्स्ट वन देखिए, ही सेड लेट मी कम इन. देखिए ये अलग तरह से हमने चेंज किया है, क्योंकि यहां जो सब्जेक्ट है वो अपने ही लिए कुछ मांग रहा है, अपने लिए ही परमिशन मांग रहा है. देयरफॉर वी हैव यूज्ड अ रिक्वेस्टेड वर्ड इन प्लेस ऑफ सिंपल सेड. ओके, वी हैव नॉट यूज्ड सेड हियर, वी हैव रादर यूज्ड रिक्वेस्टेड, बिकॉज द स्पीकर इज सीकिंग परमिशन फॉर हिमसेल्फ. देयरफॉर वी हैव यूज्ड हियर रिक्वेस्टेड. ही रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू कम इन. He requested that he might be allowed to come in. Okay? तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार तो बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा. सिंपल सी बात है, जब लेट अस की बात होती है तो वहां प्रपोजल या सजेशन की बात होती है, और इसलिए उनको अलग तरह से चेंज करते हैं. लेकिन जब सिर्फ सिंपल लेट यूज होता है तो वहां भी दो तरह की चीजें रहती हैं, या तो दूसरे के लिए परमिशन मांगी जाती है या फिर अपने लिए.
अगर अपने लिए परमिशन मांगी जाएगी तो रिक्वेस्ट से हम चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ चेंज किया है। और अगर दूसरे के लिए किसी के लिए परमिशन मांगी जाएगी तो सिर्फ सेट वर्ड यूज करेंगे, ओके, ओनली सेट। तो अगर इसको आप ध्यान में रखें और प्रैक्टिस करें तो बड़े इजीली क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें जो कुछ मॉडल वर्ब्स हैं वो जब यूज होती हैं थोड़ा स्पेशल वे में यूज होती हैं। वैसे हम मॉडल वर्ब्स के बारे में पीछे देख चुके हैं लेकिन यहाँ एक दूसरे सेंस में यूज होती हुई दिखेंगी, तो अगर उस तरह से यूज होती हैं तो हम उनका क्या करेंगे, ओके? तो हम सिर्फ यहाँ तीन वर्ब्स को स्टडी कर रहे हैं स्पेशली, मस्ट, वुड और कुड को, ओके? मस्ट सिंपली यूज होती है, जैसे कि यहाँ पहले सेंटेंस में आप देख रहे हैं, ही सेड टू मी यू मस्ट डू इट योरसेल्फ। तो ऐसे में हम कोई चेंज नहीं करते, ही सेड टू मी यू मस्ट डू इट योरसेल्फ को सिंपली चेंज कर देंगे ही टोल्ड मी। जैसे कि हम सेट टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, वैसे ही यहाँ टोल्ड कर दिया, ओके? और फिर लिंकर यूज करेंगे, दैट आ गया, ही टोल्ड मी दैट यू मस्ट डू इट योरसेल्फ। यू किसके लिए आया, मी के लिए, ओके? तो मी की फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन उसकी जगह आ जाएगी, यू की जगह आई मस्ट डू इट माई सेल्फ। मस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, ओके? आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, योर सेल्फ की जगह माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन की, ओके? इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, वुड से शुरू हो रहा है, तीसरा सेंटेंस कुड से शुरू हो रहा है, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं दोनों में ही। तो अपरेंटली ये स्ट्रक्चर से आपको एक बार को ऐसा लगेगा जैसे कि ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे देन यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दीज टू सेंटेंसेस डू नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, रादर दीज आर परमिशन सीकिंग और रिक्वेस्ट, ओके? दीज आर पोलाइट रिक्वेस्ट एंड नॉट क्वेश्चन। देखिए, वुड यू हेल्प मी इन डूइंग माई वर्क, क्या आप मेरे काम में मेरी हेल्प करोगे? ऐसे ही कुड यू गिव मी अ कप ऑफ टी, कुड यू गिव मी अ कप ऑफ टी, क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी या क्या आप मुझे एक कप चाय देंगी, ओके? तो इस तरह से दोनों ही लग तो क्वेश्चन रहे हैं, फॉर्म से क्वेश्चन लग रहे हैं, बट इन ओरिजिनलिटी दे आर नॉट क्वेश्चंस, रादर दे आर परमिशंस। तो इनको कैसे चेंज करेंगे वो देख लीजिए, ही रिक्वेस्टेड राधा, क्योंकि रिक्वेस्ट है इसलिए रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड राधा टू हेल्प हिम इन डूइंग हिज वर्क, ही सेट टू राधा था, उसकी जगह सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड हो गया ही रिक्वेस्टेड राधा, ओके? और जैसे कि हम ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, यहाँ लिंकर कोई नहीं आएगा, सिर्फ उसकी जगह टू आ गया, टू हेल्प, यानी इन्फिनेटिव बना देंगे, जो मेन वर्ब है उसी का टू लगा करके हेल्प इन्फिनेटिव बना देंगे, ही रिक्वेस्टेड राधा टू हेल्प हिम इन डूइंग हिज वर्क, ओके? जैसे कि हम वैसे सिंपल से जो चेंज कर रहे थे इंपरेटिव्स, वैसे ही इसको बना दिया, ही रिक्वेस्टेड राधा टू हेल्प हिम इन इन्फिनेटिव्स का यूज करके, ही रिक्वेस्टेड राधा टू हेल्प हिम इन डूइंग हिज वर्क। ऐसे ही सेकेंड वाला देखेंगे, आई सेड टू हर, आई रिक्वेस्टेड हर, कुड यू गिव मी अ कप ऑफ टी, टू गिव मी अ कप ऑफ टी, आई रिक्वेस्टेड हर टू गिव मी अ कप ऑफ टी, ओके? सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड और फिर मेन वर्ब का हमने टू लगा करके इन्फिनेटिव बना दिया, टू गिव मी अ कप ऑफ टी, ओके? आगे जो सेंटेंसेस हैं वो ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंसेस हैं। पहला क्वेश्चन, पहला हमने एक और मॉडल करके बनाया, यहाँ ये भी एक एक क्वेश्चन है, अपरेंटली क्वेश्चन है लेकिन रिक्वेस्ट है वैसे, ओके? कैन भी एक मॉडल वर्ब है तो उसको लेकर के बनाया है। रोहन सेड टू सीमा, कैन आई हैव सम पेपर एंड अ पेन, रोहन रिक्वेस्टेड सीमा, फिर से देखिए यहाँ रिक्वेस्ट है, रोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू गिव हिम सम पेपर एंड अ पेन, रोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू गिव हिम सम पेपर एंड पेन। आगे हम देखेंगे कि ऑप्टेटिव टाइप के जो सेंटेंसेस रहते हैं हम उनको किस तरह से चेंज करते हैं, ओके? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज किया जाता है ये हम आगे देखेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जैसे कि आप जानते हैं, इनमें किसी ना किसी तरह की जो रिपोर्टिंग वर्ब्स है उनके बाद जो डायरेक्ट स्पीच रहती है उसमें किसी ना किसी तरह से विश कोई या प्रे या डिजायर या स्ट्रॉन्ग डिजायर जिसको कि यर्न भी कहते हैं वो कहीं ना कहीं और
शो की जाती हैं, ओके, डिनोट की जाती हैं। तो जब हम इनको चेंज करते हैं तो जैसा भी रिपोर्टिंग वर्ब जो जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको चेंज कर देते हैं, ओके। रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज करेंगे वो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कोई विश को शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो यहाँ विश्ड यूज कर लेंगे, विश या विश्ड एज पर द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। जो टेंस होगा वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का, उसके अकॉर्डिंग ही विश या विश्ड। ऐसे ही अगर प्रे हो रही है तो यहाँ पे प्रे, डिजायर है, कोई डिजायर वहां दिखा रहा है तो यहाँ डिजायर हो जाएगा, डिजायर्ड या लॉन्ग या ये एटसेट्रा, ओके। इसी तरह से लिंकर दैट आएगा और पूरा जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में वो असर्टिव फॉर्म में से आपका सिंपल में चेंज हो जाएगा, ओके। सॉरी, ऑप्टेटिव से और सिंपल में असर्टिव में चेंज हो जाएगा ना। जितने भी इंपरेटिव हमने चेंज कर रहे हैं वो सब सिंपल असर्टिव में चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी जो इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा वो इंपरेटिव से असर्टिव में चेंज हो जाएगा, ओके। जैसे कि हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, दिस वन, रोहन रिक्वेस्टेड, रोहन सेड टू सीमा। हाँ, ये तो हो गया। नानी जी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, नानी जी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, नानी जी विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। देखिए, भगवान से विशिंग कर रही है एक नानी, अपने देवते के लिए विश कर रही है कि भगवान उसको लंबी उम्र दे, ओके। तो इसलिए यहाँ पे विश्ड यूज किया हमने, सेड टू क्योंकि पास्ट में था सेड, इसीलिए हमने विश्ड यूज किया। नानी जी विश्ड दैट, लिंकर आ गया दैट आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग, ओके। तो इसी तरह से बस सिंपल से, बहुत ही अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही माइनर से चेंजेस हो रहे हैं, कोई इसमें ऐसी कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। ऐसे नेक्स्ट वन देखिए, शी सेड टू हर, शी सेड टू हर फादर मे यू गेट वेल सून, शी सेड टू हर फादर मे यू गेट वेल सून। यहाँ विश हो रही है फादर के लिए कि वो जल्दी से सही हो जाए, स्वस्थ हो जाए। शी विश्ड दैट, विश्ड हो गया सेड टू की जगह, शी विश्ड दैट, लिंकर आ गया दैट, हर फादर वुड गेट वेल सून। देखिए ये हर फादर वहीं मिक्स हो गया, ओके। थोड़ा सा इन सेंटेंसेस में मैं कहूँगा कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि थोड़े से सटल चेंजेस हो रहे हैं जिनको शब्दों में बहुत अच्छी तरह से समझा पाना, जिनके लिए कोई फॉर्मूला डेवलप कर पाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ओके। बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ही आप इनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना। पीछे वाले, पहले वाले सेंटेंस में भी, जस्ट पहले जो आया था उसमें भी कुछ इसी तरह से हुआ था, वहाँ भी मी था वैसे, लेकिन मी को हमने नहीं यूज़ किया जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाई। तो ऐसे ही यहाँ पे टू हर फादर यहाँ आया था, लेकिन हमने उसकी जगह आगे उसको मिक्स किया है, यहाँ शी विश्ड के जस्ट बाद जो आना चाहिए था वहाँ पे उसको नहीं यूज़ किया, ओके। शी विश्ड दैट हर फादर वुड गेट वेल सून, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। शी विश्ड दैट हर फादर वुड गेट वेल सून। नेक्स्ट वन देखिए, द होली मैन सेड मे पीस प्रिवेल, शांति बनी रहे। द होली मैन सेड, द होली मैन विश्ड दैट पीस माइट प्रिवेल, मे का यहां माइट, ओके। द होली मैन विश्ड दैट पीस माइट प्रिवेल, ओके। नेक्स्ट वन देखिए, द ओल्ड लेडी सेड टू मी, द ओल्ड लेडी सेड टू मी मे गॉड ग्रांट यू अ लॉन्ग लाइफ, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। The old lady said to me, "May God grant you a long life." The old lady wished that I might be granted a long life. Okay? The old lady wished that I might be granted a long life. So that was all about the narration of imperative sentences. See you in the next video. And in that video, we would study about the exclamatory sentences, how to change an exclamatory sentence from direct speech to indirect speech,
that would be the subject matter of our next video, which would also be the last video of our series, that is narration or direct indirect. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो हमारे इस सीरीज़ का नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट वीडियो होगा. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.